आज का वीडियो काफी स्पेशल है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक रोल मॉडल साबित होने वाला है। हम बात कर रहे हैं जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ये प्रोजेक्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें हर एक काम के लिए डेडलाइन फिक्स है। जैसे इस एयरपोर्ट का काम कब कंप्लीट होगा, कब इसमें ट्रायल रन होगा और कब ये एयरपोर्ट फुल्ली फंक्शनल होगा, सभी काम के लिए डेडलाइन फिक्स कर दिया गया है। और अगर उसमें एक दिन भी लेट होगा तो डेली 10 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही इसके फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ है और अब सेकेंड फेज के लिए जमीन अधिग्रहण भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिन किसानों की जमीन इस एयरपोर्ट के सेकेंड फेज के लिए अधिग्रहण किया जाएगा उन किसानों को योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पास लखनऊ ही मीटिंग के लिए बुला लिया था। और किसानों को दो ऑफर दिया गया है। जिन किसानों की जमीन इस एयरपोर्ट के लिए लिया जाएगा उनमें से हर एक परिवार के एक सदस्य को फिक्स जॉब या फिर जॉब नहीं करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के लिए लगभग 5,50,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले देखते हैं इस एयरपोर्ट के फेज 2 के लिए जमीन अधिग्रहण का अपडेट, फिर देखेंगे अभी इसमें क्या काम चल रहा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेवर के पास बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन अभी फुल स्पीड में हो रहा है और अब सेकेंड फेज के लिए जमीन अधिग्रहण भी शुरू हो गया है। तो सेकेंड फेज के लिए इन 6 गांवों से जमीन ली जाएगी। गांव के नाम है करौली बांगड़, दयानतपुर, कुरैब, रनहेरा, मुडरा और बीरमपुर। तो जिन किसानों से इसके लिए जमीन ली जाएगी उन्हें बसाने के लिए फलोदा तीर्थली के पास एक शानदार टाउनशिप बसाया जाएगा और यहां बसने वाले किसानों को सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यहां पर मेट्रो सिटी जैसे फैसिलिटी मिलेगी। यहां पर वेंडिंग जोन से लेकर पार्क, प्लेग्राउंड, ओपन जिम, वर्ल्ड क्लास स्कूल और हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटी होगी। और ये दावा किया गया है जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के ऑफिसर्स के द्वारा। रिसेंटली जेवर के विधायक और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के ऑफिसर्स के साथ किसानों की मीटिंग हुई थी और किसानों के जमीन देने के लिए हामी भरने के बाद उन किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ भी बुलाया था और किसानों की सभी मांगों को मुख्यमंत्री जी ने मान लिया। वैसे इसी एयरपोर्ट के फेज 1 के लिए जिन किसानों ने जमीन दी थी उनमें से कुछ किसानों को काफी टाइम तक टेंट में रहना पड़ा था, इसीलिए फेज 1 से सबक लेते हुए इस बार इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि किसानों को कोई भी समस्या ना हो। वैसे इस एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या फिर बिजनेस करने के लिए लगभग 5.5 लाख रुपए कैश भी मिलेंगे। वैसे ज्यादातर किसान पैसे ही लेते हैं क्योंकि फेज 1 में लगभग 7,000 किसानों से जमीन ली गई थी जिसमें से लगभग 300 किसानों ने ही रोजगार को चुना था और बाकी लगभग सभी किसानों ने 5.5 लाख रुपए कैश ही लिए थे। तो इस एयरपोर्ट के फेज 2 के लिए जमीन अधिग्रहण में कोई समस्या नहीं है, समय पर इसका जमीन अधिग्रहण हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अभी क्या काम चल रहा है इस एयरपोर्ट में और कब तक ये एयरपोर्ट फुल्ली फंक्शनल होगा। तो जेवर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन इसी साल जून में स्टार्ट हुआ था, यानी कि पिछले 3-4 महीने से ही इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। हालांकि इसमें बाउंड्री वॉल और साइट क्लियरेंस का काम तो पिछले काफी टाइम से हो रहा था जिसे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के द्वारा ही किया जा रहा था, लेकिन एयरपोर्ट के मेन काम जैसे रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग और ATC टावर जैसे मेन काम जून से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका डेडलाइन पहले फिक्स है। हर हाल में इस एयरपोर्ट को 30 सितंबर 2024 तक कंप्लीट करने का टारगेट है, यानी कि सितंबर 2024 के लास्ट तक यहां से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। तो इसके 6 महीना पहले ही इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करना होगा क्योंकि फिनिशिंग, ट्रायल रन और अप्रूवल में भी टाइम लगता है। तो 6 महीने का टाइम इसके लिए रिजर्व रखा गया है, यानी कि 31 मार्च 2024 तक इस एयरपोर्ट में सिविल वर्क को कंप्लीट करने का टारगेट है, फिर अप्रूवल और ट्रायल रन में लगभग 6 महीने का टाइम लगेगा और 30 सितंबर 2024 से ये एयरपोर्ट फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। अगर इसमें लेट होगा तो पर डे 10 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा, लेकिन इसके काम की स्पीड को देखकर लग रहा है कि टाइम से पहले ही इसमें सिविल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन कर रही है टाटा प्रोजेक्ट्स और टाटा प्रोजेक्ट्स ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग को 1 साल से भी कम टाइम में कंप्लीट कर दिया था। तो जेवर एयरपोर्ट में कैसे काम हो रहा है इसको यहाँ से समझिए। लास्ट मंथ ही 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस एयरपोर्ट के साइट पर आए थे
और उस समय इस एयरपोर्ट में लगभग 700 वर्कर और लगभग 39 मशीन्स काम कर रहे थे। लेकिन अब वर्कर की संख्या 700 से बढ़कर 2000 हो गई है और मशीन्स की संख्या भी 39 से बढ़कर 80 हो गई है, और आने वाले टाइम में वर्कर की संख्या 4000 तक बढ़ने का अनुमान है और मशीन्स की संख्या तो बढ़कर 400 हो जाएगी। वैसे एयरपोर्ट में रनवे का काम करने के लिए अलग टीम है, टर्मिनल बिल्डिंग के लिए अलग टीम है, और वर्कर का मतलब है लेबर से लेकर मैनेजर तक सभी इंक्लूडेड है वर्कर में। तो जेवर एयरपोर्ट जो कि लगभग 5000 एकड़ एरिया में डेवलप होगा और लगभग 30,000 करोड़ रुपए इस एयरपोर्ट का एस्टिमेटेड बजट है, और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो अगर ये एयरपोर्ट टाइम पर कंप्लीट होता है तो ये एक रोल मॉडल होगा इंडिया के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। वैसे दिल्ली मेट्रो के फेज 1 और फेज 2 के बाद अपने देश में लगभग सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा डिले होता है, और कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनकी मॉनिटरिंग पीएमओ यानी कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो रही है, उसके बावजूद भी ऐसे प्रोजेक्ट्स काफी टाइम से डिले है। जैसे आज ही मैं दिल्ली में बन रहे इस न्यू यमुना ब्रिज का अपडेट देखने गया था। ये ब्रिज देश की राजधानी दिल्ली में लगभग पिछले 20 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी ब्रिज में कितना काम हुआ है ये देखिए। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस यमुना ब्रिज का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, इसीलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।